पार्ट में पढ़ते हैं एंटीरियर और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मेड्यूला। ठीक है, इससे पहले हमने ये पूरा डिटेल पढ़ लिया कि कैसे कैसे एक्सटर्नल फीचर्स में कैसे कैसे डिवीजन हुआ था। अब हम लोग एंटीरियर और वेंट्रल एस्पेक्ट पढ़ते हैं मेड्यूला का। तो देखो, सबसे पहले एंटीरियर में देखोगे तो आपको दो साइड पिरामिड देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने पिरामिड आपको दिखाया, फिर एक बार और दिखा देता हूँ। दिस इज दी पिरामिड, ठीक है, दिस इज द पिरामिड। तो दिस इज द पिरामिड वाला पोर्शन, दैट इज द पिरामिड पोर्शन। एंटीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट है? दो, एक एलिवेशन निकला हुआ है, दैट इज द पिरामिड। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। पिरामिड वन ऑन इधर साइड ऑफ इंटरमीडियन फीचर, और दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरमीडियट इंटीरियर मीडियन फीचर के एक साइड पिरामिड, एक साइड पिरामिड, ऐसे प्रेजेंट है। प्रोड्यूस बाय द कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ये जो पिरामिड है वो कैसे प्रोड्यूस है? तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर का कहने का मतलब ये है कि जो फाइबर्स हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं, वो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। तो देखो, कॉर्टेक्स से आएंगे मतलब क्या हुआ? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट होता है टेलेंसेफलन, टेलेंसेफलन में होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं और कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड पे। तो बीच में क्या पड़ता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये उन्हीं के द्वारा प्रेजेंट होंगे। अब देखो, इनमें से जो फाइबर्स होते हैं ना, जो फाइबर्स कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द सेवन दीज फाइबर्स अबाउट 75% क्रॉस टू अपोजिट साइड। मतलब क्या होता है, दो फाइबर्स आ रहे थे, देखो बताता हूँ आपको अच्छे से। देखो, मान लो ये फाइबर ऐसे आ रहे थे, दोनों फाइबर आ रहे थे, दोनों ऐसे मुड़ जाएंगे, बाद में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और बाद में ये क्रॉस करके फिर ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द पिरामिडल डिकेसेशन, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द पिरामिडल डिकेसेशन। ठीक है, तो 75% फाइबर जो होते हैं ना, वो आपस में क्रॉस कर जाते हैं मेड्यूला के लोअर पार्ट में। ठीक है, और क्रॉस करने के बाद क्या होता है, जैसे उन्होंने लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला में क्रॉस कर गया, उसके बाद वो डिसेंड करते हैं एज ए लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन लेटरल व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वो उसके बाद क्या होते हैं आपस में, देखो इस वो क्रॉस करके, ठीक है, मेड्यूला के लोअर बॉर्डर में, दिस इज द क्रॉसिंग पार्ट। उसके बाद वो नीचे कैसे जाएंगे? जाएंगे एज अ नीचे, और कैसे जाएंगे, मैं नीचे को थोड़ा यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ और अब क्लियर। ठीक है, फिर अभी नीचे कैसे जाएंगे? थ्रू द लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, LCST, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इन लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो लेटरल वाइट कॉलम होता है ना, अभी अगर आपने मेरा वो CNS वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, मैं CNS वाले वीडियो मैंने स्पाइनल कॉर्ड को बताया। तो स्पाइनल कॉर्ड का तीन कॉलम होता है, एक एंटीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो लेटरल वाइट कॉलम वाले एरिया में ये जो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपस में मिल चुका है, आ रहा था फाइबर अलग अलग दो साइड से, कॉर्टेक्स से आ रहा था, बीच में मिल गया, ठीक है, 75% फाइबर आपस में क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद वो किसके तरफ अंडरगो, किसके तरफ निकल रहा है? लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की तरह नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या होता है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की तरह आता है और कहाँ पर जाता है? लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। अब फिगर देखो, देखो दैट इज द फाइबर, देख रहे हो, फाइबर आ रहा है, आपस में क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद देखो कहाँ जा रहा है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में जा रहा है। तो ये दोनों फाइबर्स देखो ऐसे ऐसे आए, आपस में क्रॉस किया, और देखो दोनों कहाँ पे गए, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में चले गए। ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता होना चाहिए, देख रहे हो कैसे आ रहा है और फिर लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में चल रहा है। अब उसके बाद कुछ अनक्रॉस्ड फाइबर होंगे, तो 75% तो क्रॉस फाइबर हैं और रेस्ट 25 में से 20% जो होते हैं ना वो अनक्रॉस होते हैं। जो अनक्रॉस होते हैं ना, वो अनक्रॉस फाइबर कहाँ जाते हैं? एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में। ठीक है, जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में जाते हैं रेस्ट 20%। तो इसलिए मैंने फिगर लगा दिया था जो ईजी हो जाएगा समझने में। अब हम लोग फिर से देखते हैं, अबाउट 20% ऑफ द अनक्रॉस फाइबर रन्स डाउनवर्ड एज एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो करीब 20% जो अनक्रॉस फाइबर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की तरह। ठीक है, ये कैसे रन कर रहा था? LCST की तरह। वो कैसे रन करेगा? ACST, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट रन करेगा और कहाँ चलाएगा? एंटीरियर वाइट कॉलम में, अभी दिखा दिया था आपको। और जो 5% बच जाते हैं फाइबर्स, वो फाइबर्स क्या होते हैं? वो फाइबर्स मतलब वो फाइबर्स भी अनक्रॉस्ड होते हैं, वो क्रॉसिंग नहीं होती उस फाइबर की, बट वो अनक्रॉस फाइबर्स कहाँ जाते हैं? लेटरल वाइट कॉलम में ही जा रहे हैं। देखो दैट इज द लेटरल वाइट कॉलम, देखो। ठीक है,
सॉरी लेटरल वाइट कॉलम में दो फाइबर्स क्या हैं, एक तो क्रॉस 75% एंड अनक्रॉस 5%, और एंटीरियर वाइट कॉलम में 20% अनक्रॉस। तो ध्यान रखना 75% क्रॉस्ड और 5% क्रॉस दोनों लेटरल कॉलम में ही जा रहा है, 20% अनक्रॉस कहाँ जा रहा है, एंटीरियर वाइट कॉलम में। मैंने फिगर आपको दिखा दिया है अच्छे से, देख सकते हो दैट इज दी लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ जा रहा है, दैट इज दी लेटरल वाइट कॉलम, ये भी लेटरल वाइट कॉलम और ये एंटीरियर वाइट कॉलम में जा रहा है। तो लेटरल वाइट कॉलम में 75% जो है वो क्रॉस्ड है, 5% अनक्रॉस्ड है, ठीक है। तो ओके, तो अपने आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। एंड दीज आर दी, और ये फाइबर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, विद द हेल्प ऑफ द कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है। जो उसके बाद आते हैं ऑलिव, ऑलिव की बात हमने कही थी पिछले ही वीडियो में। ऑलिव की बात क्या है, ओलिव इज द ओवल एलिवेशन, ओवल एलिवेशन है ओलिव, मतलब एक गोला गोला सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड्यूला में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ दी पोस्टेरो लेटरल टू दी पिरामिड। मतलब क्या होगा, पिरामिड से हल्का पीछे की तरफ होगा और लेटरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो ऑलिव का, तो देखो दैट इज़ दी पिरामिड, देखो दिस इज दी पिरामिड, और इसके पोस्टेरो लेटरल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, दैट इज दी ऑलिव। मतलब पीछे साइड से देखो सामने की ओर क्या है, आपको देखिएगा क्या पिरामिड, देखो दैट इज दी एंटीरियर वाला पार्ट, मान लो ये पिरामिड है, ठीक है पिरामिड है, तो इसके इस साइड प्रेजेंट होगा ऑलिव, ऑलिव तो क्या हो गया, दैट इज दी एंटीरियर पार्ट एंड दैट इज दी पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ऑलिव। तो मेरे ख्याल से आपका ये ऑलिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑलिव इज अ ओवल एलिवेशन पोस्टीरियर लेटरल टू द पिरामिड प्रोड्यूस बाय द अंडरलाइंग मास ऑफ द ग्रे मैटर कॉल्ड इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। अब ये प्रोड्यूस किससे होता है, प्रोड्यूस बाय द मास ऑफ द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर के मास से मिलके बनता है जिसको हम लोग इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस बोलते हैं। और जब इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन वाला स्टडी करेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के बारे में। अब देखो रूट ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, आपको पता है रूट ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से निकल रहा है, एंट्रोलेटरल सल्का से निकल रहा है, बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव, पिरामिड और ओलिव के बीच में क्या होता है, एंट्रोलेटरल सल्कस। एंट्रोलेटरल कहाँ बीच होता है, एंटीरियर और मीडियन बॉर्डर के बीच में, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है एंट्रोलेटरल सल्कस। और वही हुआ, पिरामिड इज द एंटीरियर वाला पार्ट एंड लेटरल वाला पार्ट इज द ओलिव, पिरामिड और ओलिव के बीच में क्या होगा, रूट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। फिगर देखो दैट इज द रूट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, दैट इज द रूट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, देख रहे हो रूट ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से निकल रहा है, दैट इज द पिरामिड एंड दैट इज द ओलिव, दोनों के बीच से निकल रहा है। चलो अब आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, दैट इज द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल। देखो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल इज नथिंग बट द थिक बंडल्स ऑफ फाइबर लाइंग पोस्टीरियर लेटरल टू द ओलिव अटैच मेड्यूला टू सेरेबेलम। इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल क्या है कि ये फाइबर्स का थिक बंडल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर लेटरल टू द ओलिव। अब देखो आपको क्या बताया था, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल इज लाइक अ पोस्टीरियर बॉर्डर। मैं आपको थोड़ा इसको यहाँ पे बताता हूँ, देखो मैंने बोला दैट इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, दैट इज़ द मीडियल लेटरल बॉर्डर एंड दैट इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये पोस्टीरियर वाले बॉर्डर के पास ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। और ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल तो ये तीनों मिलके क्या बनाएगा, ये तीनों क्या है, एंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर बॉर्डर, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का बात कर रहे हैं। और इसके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पीछे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम को जो है इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल क्या करता है, जोड़ के रखता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल और पीछे में सेरेबेलम है, तो आपस में इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल और सेरेबेलम को मेड्यूला से जोड़ के रखता है। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं, फिगर भी दिखाएंगे और एक बार जो लिखा हुआ है क्या ये भी ध्यान से पढ़ो। थिक बंडल ऑफ फाइबर लाइंग पोस्टीरियर लेटरल टू द ओलिव, ओलिव के भी पोस्टर, देखो हमने क्या बोला पिरामिड के पोस्टीरियर लेटरल क्या प्रेजेंट था, ओलिव, ओलिव के पोस्टीरियर लेटरल क्या होगा, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है, और अटैच मेड्यूला टू सेरेबेलम। तो देखो जरा अब फिगर देखो एक बार, देखो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल
कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर ऑस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डॉर्सल ऑस्पेक्ट ऑफ द मेड्यूला है। हमने वेंट्रल ऑस्पेक्ट में क्या देखा था, ओलिप देखा था। वेंट्रल ऑस्पेक्ट में तुमने ओलिप देखा है, ठीक है, दिस इज योर ओलिप। अब ये ओलिप के बाद इधर वाला जो स्ट्रक्चर होगा, और ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है, एंड दैट इज द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो ये किसके प्रेजेंट हो गया, ओलिप के पोस्टीरियर लेटरल। यहाँ पे ओलिप दिख रहा है, दिस इज द ओलिप, और ओलिप के पीछे क्या प्रेजेंट होगा, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो इससे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के बारे में ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो अटैच, इसका फंक्शन क्या है, इट अटैचेस दी, इट अटैच, इट कनेक्ट्स दी मेड्यूला टू दी सेरेबेलम। ओके, नाउ वी मूविंग आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दी, मेरे ख्याल से रूटलेट्स, हाँ, इट्स अ रूटलेट्स ऑफ 9, 10 and 11 क्रेनियल पार्ट ऑफ सर्वाइकल नर्व, इमर्जेस थ्रू द पोस्टीरियर लेटरल सल्कस सेपरेटिंग द ओलिप फ्रॉम इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल। देखो बिल्कुल सही बात है कि ये कहाँ से निकल रहा है, पोस्टीरियर लेटरल सल्कस से निकल रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल सल्कस से निकल रहा है ना। आपको बताया था ना पोस्टीरियर लेटरल सल्कस से कौन कौन से नर्व निकलते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये सेपरेट किसको कर रहे हैं, ओलिप को इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल से। क्या बताया था आपको, दिस इज योर ओलिप, दिस इज योर ओलिप, एंड इधर साइड में क्या होगा, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, जो आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, जो आपको दिखता है कहाँ पे है, जो आपको दिखता है यहाँ पे, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल यहाँ देखने को मिलता है। तो इन्हीं दोनों के बीच से इधर साइड से क्या निकलता है, रूट्स ऑफ 9, 10 and 11 क्रेनियल नर्व, जो इस फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा है, वेंट्रल वाले फिगर में देख रहे हो, ये तीन नर्व्स के जो रूट हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस एंड हाइपो एंड द क्रेनियल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व, ठीक है। तो ये आपके तीनों नर्व्स यहीं से निकल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर मैंने पहले ही कर दिया, ये सारी बातें, ठीक है। अब आपने आगे वीडियोस आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला के क्या फीचर्स हैं, मेन फीचर्स। तो देखो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला में हमने आपको बताया था, दे आर टू बॉर्डर्स, दो पार्ट होते हैं, दैट इज द लोअर पार्ट इज द क्लोज पार्ट एंड द अपर पार्ट इज द ओपन पार्ट। तो देखो जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोज पार्ट, आपका लोअर पार्ट के बारे में। तो चलो लोअर पार्ट को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो लोअर पार्ट को पढ़ते हैं, डॉर्सल स्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो डॉर्सल स्पेक्ट हम निकाल लेते हैं भाई, डॉर्सल स्पेक्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो आपका, जब आप देखोगे अपना डॉर्सल स्पेक्ट ऑफ द मेड्यूला, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो दैट इज द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मेड्यूला एंड दिस इज योर पोस्टीरियर मीडियन फिशर PMF, ठीक है। तो पोस्टीरियर मीडियन फिशर जो है, इसके सबसे जो मीडियल होगा, इसके मीडियल सबसे क्या होगा, सबसे इसके मीडियल, आपको मीडियल टू लेटरल जाना होगा। तीन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कह सकते हो आप तीन बॉर्डर भी मान लो, दैट इज द एंटीरियर, दैट इज द लेटरल एंड दैट इज द पोस्टीरियर, ठीक है। तो आपको एंटीरियर वाले बॉर्डर पे क्या देखने को मिलेगी, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फिर फेसिलस क्यूनेटस एंड द लास्ट वन इज द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, जो आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। बट आपको जो फेसिलस ग्रेसिलिस और फेसिलस क्यूनेटस है वो विजिबल नहीं होगा, वो क्या होता है ना, अपर पार्ट में जाके कुछ देर थोड़ा सा ऊपर बढ़ने के बाद ये स्वेल कर जाता है एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन इन GT एंड CT। फेसिलस जो ग्रेसिलिस है वो बन जाता है ग्रेसिलिस ट्यूबरकल, देख रहे हो ये वही वाला पार्ट ऊपर में एलिवेट हो गया एंड दैट फॉर्म्स द ग्रेसिलिस ट्यूबरकल, बाद में यही वाला पार्ट ऊपर में एलिवेट हो गया दैट इज फॉर्म्स द क्यूनेटस ट्यूबरकल, और ये जो आपका सर इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब क्या लिखा हुआ है जरा एक बार यहाँ पे देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, उसके जस्ट मीडियल क्या प्रेजेंट है देख रहे हो, फेसिलस ग्रेसिलिस, फिर उसके मीडियल क्या, उसके लेटरल हल्का क्या प्रेजेंट है, फेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटस एंड द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल। यही फेसिलस ग्रेसिलिस और फेसिस क्यूनेटस आपने अभी देखा ऊपर जाके क्या हो गया, एक्सटेंशन एक्सपेंड कर जाता है, तो क्या बनाता है, ग्रेसिलस ट्यूबरकल एंड दी क्यूनेटस ट्यूबरकल। अब ये जो क्यूनेटस ट्यूबरकल होता है ना, उसमें एक एलिवेशन देखने को मिलता है लेटरल टू द क्यूनेटस ट्यूबरकल, दस ट्यूबरकल इज नोन एज दी ट्यूबर सीनेरियम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का जो स्पाइनल न्यूक्लियस होता है ना, वो हम लोग पॉन्स में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो लेटरल टू दी क्यूनेटस ट्यूबरकल, क्यूनेटस ट्यूबरकल आपको देख रहे हो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस सारे को हटाओ, देख रहे, देखो क्यूनेटस ट्यूबरकल आपको क्या है,
यहाँ पे हो गया क्यूनोटस ट्यूबरकल, सेम यहाँ पे भी क्या होगा आपको क्यूनोटस ट्यूबरकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जस्ट इसके लेटरल देखो, दैट इज द ट्यूबर सिनेरियम। ट्यूबर सिनेरियम एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज फॉर्म बाय द प्रोड्यूस बाय द स्पाइनल रूट ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व्स। तो ये आपको जानना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो आपने ये भी जान लिया। ठीक है, आपने ये भी जान लिया ट्यूबर से प्रोड्यूस बाय द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। तो ये आपका लोअर पार्ट वाला क्लोज खत्म हो गया। अब देखो अपर पार्ट जो ओपन पार्ट होता है वो फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो आपका अपर पार्ट होता है ना, मैंने क्या बताया था, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो मेड्यूला के अपर पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, मेड्यूला के अपर पार्ट में। तो फ्लोर आपका क्या बनाएगा, अब जो लोअर पार्ट होता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, तो वो बनाएगा। मैं आपको एक बार फिर से फिगर बना कर दिखा देता हूँ। दैट इज़ योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर हो गया पॉन्स, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है दैट इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल जो प्रेजेंट होता है वो मेड्यूला का, दैट इज द मेड्यूला का अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला, एंड दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसका जो ये दिस इज द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस इज द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो देख रहे हो मेड्यूला का जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है। समझने की कोशिश करना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द मीडियन सल्कस, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल एंड द वेगल ट्राइंगल एंड द वेस्टिबुलर एरिया, एरिया पोस्ट्रीमिया एंड स्ट्रिया मेड्यूलस। मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ। दैट इज द मीडियन सल्कस तो आपने देख ही लिया, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। उसके बाद आप देख सकते हो द ट्राइंगल्स, देख रहे हो, एक मिनट इस सबको हटा दो, रिमूव कर दो। देखो दैट इज द ट्राइंगल, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला था, वेगल ट्राइंगल, फिर उसके बाद क्या बोला, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल, उसके बाद क्या बोला, वेस्टिबुलर एरिया, और वेस्टिबुलर एरिया पॉन्स में भी होता है, आधा पार्ट इसमें होगा आधा पार्ट पॉन्स में होगा। ठीक है, देन आफ्टर हमने क्या देखा था, एरिया पोस्ट्रीमिया, ये सारे अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में, तो एरिया पोस्ट्रीमिया, वेगल ट्राइंगल, वेस्टिबुलर एरिया, तो इस तरह हमने स्ट्रिया मेड्यूलरिस, स्ट्रिया मेड्यूलरिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, अपर पार्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहीं पे आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का जो हमने एक्सटर्नल फीचर्स था वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो मतलब जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारे इंटरनल फीचर्स के। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।